कातिल डोर से 3 साल बच्चे की मौत। वालदैन हमसे निढाल हो गए। मेरे बच्चे कहाँ ढूंढता फिरूं मैं तुझे, हमारे बगैर कैसे अकेले कब्र में सोएगा तू, तन्हा कैसे नींद आएगी तुझे। वालिद का फेसबुक पर पोस्ट। गुज़िश्ता रोज सवाबी की दारुल हुकूमत के इलाके मस्ती गेट में पतंग की डोर गले पर फिरने से 3 साल मासूम बच्चा जा बहक हो गया। खिजर हयात मोटरसाइकिल पर वालिद और बहन भाइयों के साथ जा रहा था कि इस दौरान कटी हुई पतंग की डोर इसके गले पर फिर गई। खिजर मोटरसाइकिल पर सबसे आगे बैठा था और डोर इसकी शहरग पर लगी और कट गई। खिजर को फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन वो अस्पताल जाते जाते रास्ते में दम तोड़ गया। डॉक्टरों ने बताया कि पहले बच्चे ने डोर पकड़ी थी, जिसकी वजह से इसकी हाथों की उंगलियां भी कट गई हैं। कमसन बच्चे की अचानक मौत से वालदैन हम से निढाल हो गए। इनके दुख का अंदाज़ा सोशल मीडिया पर की गई एक पोस्ट से लगाया जा सकता है। सोशल मीडिया पर सारिफीन की जानिब से शदीद रद्द अमल का इजहार किया गया और हुकूमत से ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए सख्त इकदाम करने का मुतालबा किया, जबकि वाकये में मुलविस अफराद को तलाश करके सजा देने का भी मुतालबा किया गया। दूसरी जानिब DIG ऑपरेशन साजिद गिलानी ने वाकये का नोटिस लेते हुए SHO मस्ती गेट इंस्पेक्टर मोहम्मद जाहिद नवाज को मुअत्तल कर दिया, जबकि SP और DSP अली अख्तर से वजाहत तलब करते हुए कहा कि डोर फिरने के वाकयात हरगिज काबिले बर्दाश्त नहीं हैं। गफलत करने वालों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान ने लाहौर में डोर फिरने से बच्चे की मौत पर दुख का इजहार किया। सरदार उस्मान ने पतंगबाजी के वाकयात पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए CCP और लाहौर से रिपोर्ट तलब की। वजीर आला पंजाब उस्मान ने गफलत के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का हुक्म दिया और उन्होंने कहा पतंगबाजी के वाकयात कतई नाकाबले बर्दाश्त हैं, पतंगबाजी पर पाबंदी के कानून पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाए और खिलाफ वर्जी करने वाले को सख्त से सख्त सजा दी जाए। Thank you.